छम छम करती पायल तेरी कानों में रस घोल गई, तू तो काना कुछ ना बोला, तेरी झांझर राधा राधा बोल गई। राधे राधे दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा आसोपा, आज हम अपने हाथों से अपने प्यारे काना के लिए घुंघरू वाली झांझर बनाने वाले हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर पसंद आए आपको तो अपने मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ये मैंने बुकरम लिया है, उसके ऊपर मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ करूँगी। हम यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगा रहे हैं। इसके बाद ये जो मोती वाला चेन आता है वो वाला यूज़ किया है, तो वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। इसका जो एक्स्ट्रा है वो मैंने कट कर लिया है। ये वाली लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, बस हमें इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे ग्लू लगा के बॉल चेन लगा रही हूँ। सेकेंड फिर से हम बॉल चेन का लाइन लगाए, एक लेयर लगाएंगे। इनको हम फिंगर टिप से स्ट्रेट कर लेंगे। अगेन यहाँ पे मैं ग्लू लगा के मोती का चेन लगाऊंगी यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे मोती का चेन भी लगा लिया है। अब इसको हम थोड़ी देर सूखने के बाद एक साइड से मैं इसको कट कर रही हूँ। अब यहाँ पर ग्लू लगा के हमें घुंघरू लगाने हैं, तो आप घुंघरू आप नॉर्मली देखते हो ज्वेलरी मेकिंग में लगाने के लिए, वो एक पिन यूज़ किया जाता है। उस हुक की बजाय क्योंकि वो हर जगह अवेलेबल नहीं रहता है, तो मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया है। हम घुंघरू को, मैंने ये गोल्डन घुंघरू लिया है और इसको मैं धागे में डाल रही हूँ। इसमें हमें थोड़ा सा बस ध्यान यही रखना है कि धागा बाहर विजिबल नहीं होना चाहिए। इस तरह से मैं वन बाई वन करके सेम गेप में आप इसको यहाँ पे पूरी दूर में हम घुंघरू लगा देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे घुंघरू लगा लिया है। इसके बाद मैं ये गोल्डन कलर का वायर ले रही हूँ, जो नॉर्मली फ्लावर मेकिंग में जो हम यूज़ करते हैं वो वाले ही हैं। उनको मैं यहाँ पे अच्छे से थोड़ा एक्स्ट्रा क्वान्टिटी में ग्लू लगा के यहाँ पर बीच में चिपका देंगे। ये देखिए इस तरह से, ये मैंने 4 से 5 टुकड़े लिए हैं उस वायर के। उसके बाद मैं ये बुकरम लेके उसके ऊपर भी ग्लू लगा रही हूँ। इसको हम इसके ऊपर चिपका देंगे। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद ये जो धागे हैं वो हमें ऊपर की तरफ थोड़े थोड़े से खींच लेने हैं, ताकि नीचे ये विजिबल नहीं रहे और घुंघरू है वो लूज भी नहीं दिखे। इस तरह से आप सबको टाइट कर लीजिए। ये देखिए अब कहीं से भी वो धागा सो नहीं हो रहा है। अब इसको हम थोड़ी देर सूखने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। आप इसको ओवरनाइट या एटलीस्ट 6 से 7 घंटे के लिए सूखने दें। ये हमारी कान्हा जी की पायल बनकर बिल्कुल रेडी है। अब आपको जस्ट इसको फिंगर से इस तरह से टर्न करना है, जिस तरह से हम कान्हा को पैरों में ईजिली पहना पाए। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने कान्हा के लिए अदर भी चीज़ें, अगर कोई एक्सेसरीज़ देखना चाहें तो एक बार मेरे चैनल पर विज़िट करें। आपको इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी कान्हा की सुंदर चीज़ें आगे भी अवेलेबल होती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, प्लीज़ लाइक करें। मिलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, बाय बाय।